बकरीद को लेकर के बोकारो में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था कर दिए गए हैं और लगातार पुलिस की गश्त भी तेज कर दी गई है। और यहाँ तक कि जो अति संवेदनशील इलाके जो हैं, जो पहले से जो जगह चिन्हित हैं, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े पुख्ते इंतजाम भी किए गए हैं, जैसा कि आप हमारे तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी हम बोकारो के सिवंडी में हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पुलिस की बंदोबस्ती की गई है और पुलिस अधिकारियों को भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घट सके। और लगातार सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन काफ़ी चौकस है और जिला प्रशासन द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस के और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी भी सड़कों पर लगातार गश्त कर रहे हैं और पुलिस के कई अधिकारियों को भी तैनात किया गया है कई मोहल्लों में, जैसे भारा शिवंडी, आज़ाद नगर, ऐसे कई जगहों पर भारी मात्रा में पुलिस की बंदोबस्ती की गई है। और पुलिस किस तरह ड्यूटी कर रही है, तो अब पुलिस को क्या टास्क मिला है, हम पुलिस से ही जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ अधिकारी भी है। यह बताएं कि जिस तरीके से आज बकरीद है और बकरीद को लेकर के काफ़ी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। क्या अभी तक कुछ नहीं, शांतिपूर्वक। देखिए, बेशक कहा जा सकता है कि शांति प्रिय तरीके से बकरीद इस बार मनाए जा रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग भी दूसरे कौम के लोग भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस बार तो पूर्व की भांति बकरीद नहीं मनाए जा रहे हैं। बकरीद के पहले जो मनाए जाते थे उसके तरीके अलग होते थे, लोगों के घर और लोगों का आना जाना होता था, लेकिन अब इस बार जो है जिस तरीके से बकरीद पर जो ग्रहण लगे हैं, जो कोरोना काल को देखते हुए जो सरकार के गाइडलाइंस मिले हैं उसको फॉलो कराने के लिए पुलिस अधिकारी भी लगातार सड़कों पर हैं और प्रशासन के कई अधिकारी भी सड़कों पर सतर्क गश्त करते नज़र आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, यह बेशक कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन काफ़ी चौकस है और इसे शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की दिशा में एक पहल माना जा रहा है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।